नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य नयन शर्मा। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से बहुत बहुत अभिनंदन। तो देहरादून से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्या कहते हैं आपका मासिक राशि फल। जी हाँ, अप्रैल माह में जो बड़े बड़े ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं, इनके साथ साथ जब आपके भाग्य के सितारे बदलेंगे तो इस महीने से कितना बड़ा परिवर्तन आप लोगों के जीवन में ला सकते हैं। जी हाँ, आपकी सेहत, आपका करियर, आपका काम कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष, आपका भाग्य और इसके साथ साथ आपका सब कुछ ओवरऑल कैसा रहेगा, रिश्तों के मामले में भी ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, तमाम पहलुओं पर हम हमेशा की तरह आज भी बात करेंगे और जानेंगे कि आपका मासिक राशिफल क्या कुछ कहता है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मयंक शर्मा जी से ये जानने की कि इस माह आपके भाग्य के सितारे कैसे बदल रहे हैं, बताइए मयंक। देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये राशिफल चंद्र के ऊपर आधारित है, चंद्र राशि के ऊपर, उसी के आधार पर आप देखें तो आपको बिल्कुल सही सटीक गणना देखने को मिलेगी। क्या आपको परिवर्तन करना चाहिए और कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसे आपकी मैरिड लाइफ रहेगी और कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, ये सभी जानकारी उपाय के सहित हम आपको इस एपिसोड में देखेंगे। तो पूरा एपिसोड अंत तक देखें, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और अप्रैल मास में क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी समझने का मौका मिल जाएगा और आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सबसे पहले बता दें कि एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत 1.5 साल के बाद आपकी लाइफ में होने जा रही है, क्योंकि इस मास जो है 9 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, 9 ग्रह कभी एक महीने में नहीं बदलते हैं, ऐसा बहुत कम होता है ज्योतिष में। और इस माह राहु, केतु, शनि, बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य तो हर माह ही बदलते हैं और मंगल 45 दिन में और बुध और शुक्र भी हर माह बदलते हैं और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। तो इसलिए लगन से केतु का हटना और सप्तम से राहु का हटना आपके लिए कहना चाहिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होने वाला है। तो चलिए अभी 12 अप्रैल तक तो यहाँ केतु लगन में ही रहेंगे, उसके बाद आपके ये 12वें भाव में केतु चले जाएंगे, सेकेंड हाउस खाली रहेगा। तीसरे में अभी आपके शनि और मंगल चल रहे हैं, शनि चतुर्थ भाव में आपके आ जाएंगे और चतुर्थ भाव में बैठे गुरु पंचम भाव में चले जाएंगे, विशेष शुभ योग बन जाएगा। वर्तमान में गुरु शनि चतुर्थ में है और वर्तमान में सूर्य चंद्र और बुध आपके पंचम भाव में बैठे हैं, छठा भाव खाली है, 7वें में राहु है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव खाली है। अब ये समझिए लगन से केतु राहु हटेंगे तो बड़ा बोझ आपके ऊपर से उतरेगा, बड़ी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको शनि की ढैया भी स्टार्ट होगी। शनि की ढैया स्टार्ट रहेगी, पंचम भाव में बृहस्पति रहेंगे तो ये योग शनि स्वराशि के होंगे और चतुर्थ ढैया वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि शनि या स्वराशि के होते हैं, इतनी परेशानी यहाँ नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर एक बदलाव और अच्छे समय की शुरुआत यहाँ आपकी होगी। चलिए मैं जी, ये तो आपने बताया दें कि गृह स्थिति के बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसी के आधार पर इन लोगों की सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए इन लोगों की सेहत जो है इस महीने काफी अच्छी रहेगी, सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है और मंगल की स्थिति आपकी बहुत बलवान है, छठे भाव का कारक आपका मंगल है, वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। यहाँ आपको क्या करना है कि थोड़ा गुस्से से आपको बचना है, एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, उस चीज से बचना है। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी से चलाएं तो आपको कोई छोटी मोटी दुर्घटना होने की आशंका रह सकती है, सावधानी बरतेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करियर के मामले में भी ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं कि आपके गृह स्वामी के आधार पर करियर का कौन सा क्षेत्र आपको चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पड़ाव पर हैं कि अब मैं आगे करियर किस में बनाऊं जानना चाह रहे हैं तो आइए मैं इसे जानते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों की मंगल की स्थिति कुंडली में डिपेंड करती है और सूर्य की कि कहां जाना है। वृश्चिक राशि वालों की अगर मंगल और सूर्य की स्थिति बलवान है तो हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी या प्रशासनिक कार्य, राजनीति, इससे बेहतर आपके लिए कोई प्रोफेशन नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बलवान है और चंद्रमा की और बृहस्पति की तो फिर क्रिएटिव फील्ड, राइटिंग स्किल्स, ज्योतिष, धर्म शास्त्र, टैरो रीडिंग, इन चीजों में हाथ आजमाएं तो आप जल्दी सफलता अर्जित करते हैं। तो यही कुछ ऐसे प्रोफेशन है, इन प्रोफेशन में जाएंगे थोड़ा जल्दी सफलता अर्जित कर लेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय कैसा रहेगा। मैम जी देखिए छात्रों के लिए समय काफी अच्छा है, शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव में इसी महीने से आ रहे हैं तो शिक्षा में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, एडमिशन आपका हो जाएगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और जिन छात्रों के शिक्षा में कोई विरोध
अवरोध आ रहा था तो वो भी दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा क्योंकि लगन से केतु हट जाएंगे, तो आपको जो मानसिक तनाव रह रहा था, किसी भी तरह के मन में नेगेटिविटी थी, वो अब आपकी दूर हो जाएगी। मैं जी, इसी के साथ साथ कर्म भाव की अगर इनकी बात की जाए तो काम कारोबार के मामले भी ये समय इनके लिए कितना उन्नति कारक रहेगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज इनको इनकी प्रोफेशनल लाइफ में अब आने वाले समय में मिलने वाली है। देखिए, काम कारोबार में अब इनके लिए बड़ी राहत मिलेगी, काम कारोबार बड़ा अच्छा चलेगा बृहस्पति के कारण और कहना चाहिए शनि के कारण इनका काम कारोबार में दुगुनी तीन गुनी वृद्धि होगी। जिन लोगों को गुरु की दशा चल रही है, जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही है या शुक्र की है, तो उनको विशेष लाभ मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, बिजनेस नौकरी सब कुछ बेहतर अब चलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों के बारे में, क्या लगता है रिश्तों के मामले में ये महीना इनके लिए कितना खास रहने वाला है? देखिए, रिश्तों के मामलों में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर आपका रिलेशन किसी भी तरीके से बिखराव आ गया था रिश्तों में, आपके आपके जीवन साथी के साथ, आपके आपके बिलवड के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं में कोई मतभेद था, वो मतभेद दूर हो जाएगा और रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अगर आपकी बातचीत भी बंद थी, बात यानी इतनी बढ़ गई थी, तो वो भी अब सुलह हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है, राहत भरा समय है, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि आर्थिक पक्ष के बारे में क्या लगता है, मतलब धन धान्य के मामले में ये समय इनके लिए क्या एक गुड लक लेके आ रहा है? देखिए, इनका धन का कारक जो ग्रह है बृहस्पति, वो है इनका पंचम भाव में आ रहे हैं, वो विशेष या लाभ देंगे, यहाँ धन लाभ के योग बनेंगे जी। और धन के साधन भी जुटेंगे, यानी कि आपकी आय का सोर्स जो है, इनकम का सोर्स जो है, वो एक से ज्यादा से हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दें, अगर आप व्यापारी हैं तो बिजनेस में आपको यहाँ बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए मैं जी, क्या कुछ उपाय आप इन लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, इस समय उपाय इनके लिए क्या करना चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए कि माथे पर केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं, विशेष लाभ मिलेगा, और गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की आरती करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति अब आपके बहुत शुभ हो रहे हैं यहाँ पर आके, तो इसलिए परेशानियाँ जो है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो ये था हमारे मंगेशमा जी, जिनसे हमने जाना कि अप्रैल का ये महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और मंगेशमा जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।